सुलाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के इस बिल्कुल नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी टॉप 20 प्रोडक्ट्स है वैल्यूएशन के मुताबिक जो कि आप कनाडा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ ऑलवेज़ अपडेटेड रहना चाहते हैं और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आपका नॉलेज जो है उसको बहुत ही स्ट्रांगली बिल्टअप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं हमारी प्रोडक्ट नंबर 1 से, यानी कि प्रोडक्ट नंबर 20 से। यहाँ पे आपको वैल्यू इन USD दी गई होगी और 2020 में USD थाउजेंड्स में कितनी वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो। सारी प्रोडक्ट्स में हमने मेंशन किया है। प्रोडक्ट नंबर 20 है मेडिसेमेंट्स कंटेनिंग पेंसिलिन्स। तो ये एक तरह की हेल्थ प्रोडक्ट है और अगर आप फार्मा या हेल्थ इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हो तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा। दूसरी एक चीज़ ये भी बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारी प्रोडक्ट्स का जो लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में थोड़ा सा इनडेप्थ रिसर्च करना है तो आपके लिए नीचे मैंने लिस्ट रेडी करके रखा है, आप जाके देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ें जाननी हो समझनी हो तो लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोर्स चलाते हैं तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो और कम्प्लीटली इन डेप्थ ट्रेनिंग A to Z प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल ट्रेनिंग ले सकते हो। प्रोडक्ट नंबर 20 के बारे में हमने बात की, अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 19 के बारे में। तो 19th प्रोडक्ट है वो है आर्टिकल्स ऑफ आयरन और स्टील। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के साथ कोई बिजनेस के साथ जुड़े हो या तो आपके पास सोर्सिंग हो तो आप इस प्रोडक्ट के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हो USD 1000 में यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके बाद प्रोडक्ट नंबर 18 है फूड प्रिपरेशंस। फूड प्रिपरेशंस में अगर आपका कोई बिजनेस हो, आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का बिजनेस हो, कोई रिलेटिव्स का बिजनेस हो, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो कि कनाडा में आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद है। इसके बाद बेड स्प्रेड्स और ऑल काइंड ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स, अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हो तो आपके लिए ये एक सही गुड न्यूज़ कह सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 17 टेक्सटाइल मटेरियल्स। इसके बाद प्रोडक्ट नंबर 16 है एंटी सेरा एंड अदर ब्लड फ्रैक्शंस एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये एक लेबोरेटरी का जो मटेरियल है वो है और अगर आप इस फील्ड के साथ जुड़े हो या तो आपको नॉलेज है या तो आपके पास सोर्सेज है तो यस, कनाडा में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके बाद प्रोडक्ट नंबर 15 है टॉयलेट लिनन एंड किचन लिनन, जो हम घर में यूज़ करते हैं किचन में, टॉयलेट्स में जो टॉवल्स रहते हैं, नैपकिन्स रहते हैं, ऐसे कोई फैब्रिक के साथ आपके पास ऐसे कोई फैब्रिक के सोर्सेज है तो आप ज़रूर कनाडा में ट्राई कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 14 की अगर हम बात करें तो यस, ये ऑटो पार्ट्स के साथ बिलोंग करता है और अगर हम सौराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे ऑटो पार्ट्स का प्रोडक्शन, ऑटो पार्ट्स का जो सोर्स है वो बहुत बड़ा है। एज़ फार एज़ राजकोट की बात करूँ तो राजकोट में यहाँ पे बहुत बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल सकते हैं ऑटो पार्ट्स के रिलेटेड। और ये स्पेसिफिकली पार्ट एंड एक्सेसरीज फॉर ट्रैक्टर्स, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ 10 or more persons, राइट? तो यहाँ पे आप इसके लिए भी ज़्यादा डिटेल्स जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 13 ग्राइंडिंग बोल्स एंड सिमिलर आर्टिकल्स फॉर मिल्स कास्ट। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और ये अगर आप इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हो तो आपको सही तरह से पता होगा कि इसका यूज़ क्या हो सकता है और कहाँ से आप इसे सोर्सिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 12 अगेन एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कास्ट आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू का जो फिगर है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। प्रोडक्ट नंबर 11 है, ये एक केमिकल है एक तरह का और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने डायग्राम भी दिया है, ये है हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद नाइट्रोजन हेटरो एटम्स ओनली, राइट? तो अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ और केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हो तो प्रोडक्शन या तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन या तो कोई भी ऐसी चीज़ है या तो सोर्सिंग है तो आप इसके लिए सोच सकते हो, ये भी एक सही वैल्यू कह सकते हैं यहाँ पे आपके पास मौजूद है।
इसके बाद प्रोडक्ट नंबर 10 है टी शर्ट्स सिंगलेट्स एंड अदर वेस्ट ऑफ कॉटन नीटेड और क्रॉच्ड, राइट। तो कॉटन की टी शर्ट्स जो रहती है उसकी भी एक सही डिमांड है, मल्टीपल कलर्स के ऑप्शंस में और वाइट एंड ब्लैक के ऑप्शंस में आप रिसर्च करके इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हो। अगर कोई भी चीज़ें आपको ऐसी लगे जो आपको टेक्निकल हो और आपको समझ में ना आए वाइल आप जब रिसर्च कर रहे हो तब, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, वरना एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप हमें अप्रोच भी कर सकते हो, राइट। प्रोडक्ट नंबर 9 यहाँ पे मौजूद है ऑयल केक एंड अदर सॉलिड रेसिड्यूज। ये एक सही प्रोडक्ट है और बहुत सारी कंट्रीज़ में इसकी भी डिमांड कह सकते हैं। इसके बाद डायमंड्स की अगर हम बात करें तो यस 39,677,000 USD की वैल्यू है और वर्क्ड बट नॉट माउंटेड और सेट, ये कंप्लीट डायमंड है लेकिन ज्वेलरी के साथ अटैच किया गया नहीं, लेकिन सिंपल प्लेन वर्क्ड डायमंड, राइट। कार्स मोटर कार्स डायरेक्ट यहाँ से अगर मैन्युफैक्चर, जैसे हमने देखा है रिसेंट डेज में ईवीज और आईसी दोनों में इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है और हमारी कंट्री अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन करके दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने में अब काफ़ी कैपेबल हो चुकी है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई सोर्सेज हो तो कैनेडा में यस इसकी सही डिमांड कह सकते हैं 46,815,000 USD की। तो ये है प्रोडक्ट नंबर 77। और इसके बाद प्रोडक्ट नंबर 6 की बात करें तो ये आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी एंड पार्ट्स देयर ऑफ, सिल्वर के अलावा जो भी ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल्स के पार्ट्स रहते हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है कनाडा में, आप वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो। प्रोडक्ट नंबर 5 अगेन आर्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स ऑफ अदर मटेरियल्स ऑफ हीटिंग, यहाँ पे एक कोड दिया गया है, इस कोड को आप अगर गूगल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएगी। इसकी भी वैल्यूएशन आप देख सकते हो, बहुत ही कमाल की वैल्यूएशन कह सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 4 अगर इसका सोर्सिंग आपके पास है तो ये आपके लिए एक बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है, 81,851,000 USD 2020 अलोन। और इसका भी एक सही जो है वो डिमांड फैक्टर यहाँ पे मौजूद है, सेमी मिल्ड और हुल्ली मिल्ड राइस वेदर और नॉट पॉलिश्ड और ग्लेज्ड राइस का अगर आप सोर्सिंग कर सकते हो, अगर आपके पास फार्मर्स है डायरेक्ट आप सोर्सिंग करके राइस का एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो यस दिस इज़ द ह्यूज अपॉर्चुनिटी दैट्स वेटिंग फॉर यू इन दी कैनेडा, राइट। प्रोडक्ट नंबर 3 है अगर आप फिशिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हो, आपका बिजनेस है या तो आपके पास सोर्सेज है, तो यस फ्रोजन श्रिम्प्स की और प्राउन्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादा इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप गूगल करके देख सकते हो, लेकिन वैल्यू आप यहाँ से देखते रहिएगा, 105,278,000 USD इन 2020 अलोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट नंबर 2 के बारे में देखें तो लाइन पाइप ऑफ काइंड ऑफ यूज्ड इन ऑयल और गैस पाइपलाइंस में जो पाइप्स यूज़ होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पाइप्स यूज़ होते हैं, वैसे पाइप्स की अगर आपके पास सोर्सिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है या तो आपके फ्रेंड्स या तो फैमिली मेम्बर्स के पास किसी के पास है तो आप उनको बता सकते हो कि कनाडा में आपके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो। ये प्रोडक्ट नंबर 2 है, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 2 यानी कि बहुत बड़ी प्रोडक्ट कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट नंबर 1 पे आए, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो या तो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल में हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ रेगुलरली आते रहते हैं, तो ऑलवेज़ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो या तो ज़्यादा सीखना चाहते हो, आपका नॉलेज जो है वो एक्सेसिवली बढ़ाना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ये वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट नंबर 1 के ऊपर, राइट। इसके बाद मेडिसिन अगेन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के साथ अगर आप जुड़े हो तो यस दिस इज़ द नंबर 1 प्रोडक्ट इस लिस्ट की, पूरे लिस्ट की नंबर 1 प्रोडक्ट है। और इसके बारे में आपको अगर ज़्यादा डिटेल्स लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है जो इसकी डिटेल्स है वो, और आप कॉपी और पेस्ट करके सिंपली गूगल में आप सर्च कर सकते हो। तो कुछ सेकंड्स पहले मैंने आपको बताया था कि लास्ट इस वीडियो के एंड में मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करूँगा। हम यहाँ पर लाइम इंस्टीट्यूट में एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कंप्लीट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की ट्रेनिंग चलाते हैं और सभी चीज़ें आपको इन डेप्थ वे से सिखाते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की।
तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारा कोर्स लेने में या तो सीखने में, तो इस यहाँ पे इस स्क्रीन पे दी गई कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर, मेल आईडी और वेबसाइट, सारी चीज़ें मौजूद है। सो आज के लिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द हम आपके लिए लाएंगे इसी कनाडा के ग्रोथ रेट वाइज कौन कौन सी ऐसी 20 प्रोडक्ट है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, 20 प्रोडक्ट ग्रोथ रेट वाइज, और वो भी बहुत ही मज़ेदार लिस्ट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।